नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बम बम भोले। सो हां जी, बहुत जल्दी शहीद, सोचो कौन? खोतिस्तानी वाले शहीद नहीं, वो तो आए दिन ही क्राइम करते हैं, मर जाते हैं, एक फ्रेम जहा खाली टंगे होंगे गुरुद्वारे, क्योंकि अगली पिक्चर लगनी होंगी है। वह है कि जाली शहीद, असली शहीद, शहीद अमर सिंह चमकीला। चमकीले की मूवी रिलीज होने जा रही है जी। सो होम हम आके पहुँचो सारे फिल्म थिएटर्स के जिथे ते मूवी लगनी है। मूवी में बहुत प्यार सत्कार ते माण बख्शना जो चमकीले पसंद करते सी। हुण इन्होंने उस मूवी के आने तो पहले जड़ा एक मैं पहले भी वीडियो पाई सी ना चमकीले दे, हुण ये कहिंदे आ कि चमकीला लच्चरता दे गाने गाँदा सी, उहनूं धमकियां मिलियां सी, फिर उहने धार्मिक गाने, लच्चरता दे गाने तां नसीबो लाल भी गाँदी है पाकिस्तान दी, उहनूं ना गोलियां मारतीआं किसे ने पाकिस्तान च, उहदा ना किसे ने सोधा लाता। सोचने वाली गल है ना, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को पता है भी वह किता है, वो बिजनेस है, वह गाने गा रही है। चमकीले ने जी शहीद अमर सिंह चमकीले ने जी लच्चरता फरला, कि लच्चरता फरला ती दसो? चमकीले ने जो गाना गाया तो लच्चरता, लच्चरता ते दिमागों के विच भरी हुई सी। स्टेज से जो डांसर लुचे टेढ़े जी एक्शन कर दें ती, उदो लच्चरता बहर आ जाती है, नाल दी नाल दो पैग ला के तुहाडे लोकां दी लच्चरता बहर आके तुसीं जाके फिर मूहरे खड़ के कुड़ी नूं लुचे लुचे इशारे करदे हो, अख मटके करदे हो। चलो असीं मानदे हाँ भी कई जिहड़े डांसरस कुड़ियां वह भी बहुत गंद पाउंदियां स्टेज ते, चाहे वह किन्ना भी गंद पा लैन स्टेज ते, पर तुहाडे अंदर तां शर्म ही होनी चाहीदी है ना कि तुहाडियां मावां भैणां मासियां चाचियां ताईयां धीआं सारियां बैठियां, इन्नी छेती तुसीं अपने शर्म ला के बराबर डांसर नचना शुरू कर देने स्टेज पर। फिर तुसीं कहने हो देखो डांसर जी नच रही, ताड़ियां जनानियां भी तो डांस वाले काम कर दी, डीजे दे मूहरे खड़ के नच रही होंदियां, वो डांसर नालों घट होंदियां जदों अपनियां मावां भैणां धीआं नूं डांसर नाल नचाने हो। हरेक बंदे दा किता है ते प्रोफेशन है। कि शहीद अमर सिंह चमकीला कल्ला ही सी वी जिहने इदां दे गाने गाए? सोशल मीडिया तो तुम इंटरनेट पर जाके देखो, काफ़ी लोगों ने एडे लुचे अश्लील गाने गाए पर अपना नाम नहीं लिखिया थले। जोड़े लोग मेरे वर्गी के वीडियो तो ला देंगे, कभी किसी कुड़ी के वीडियो तो ला देंगे, उन्होंने सौदे लगे ना, तुम उन्ने कौन सौदा लाने वाले? तुम कानूनी तौर पर हक दिता कि नहीं किसी का सौदा लाने का, किसी जान तो मारन का तुम हक दिता कि नहीं? तुम पंजाब को तालिबान बना चाहते हो जी? खाड़कूवाद से कौन खाड़कू, किहड़े खाड़कू, कित्थों आए हो तुम खाड़कू? वो तो पंजाब सरकार दे विच कमी सी, भारत दी सरकार विच कमी अज भी है कि तुहाडे वर्गे जिहड़े खाड़कू सोधे लाने की गल्लां करदे तुहानूं नथ नहीं पा पाई। जे मैं कित्ते होवां ना सीएम के पीएम की, चल जे मैं होवां पंजाब दी सीएम, तुहाडे सारे खाड़कूपन बंद कर दूंगी, याद रखियो। आ जिहड़ा सौदा लाना तुसीं जिहड़ा वर्ड यूज करदे हो ना, इस वर्ड ते भी कानूनी कार्रवाई होया करूगी। जे किसी भी मूँह कढ़िया सौदा, इहदा मतलब कतल करना, कतल की प्लैनिंग करना, सीधा बिहाइंड द बार जेल च। और जे कित मैं होवां इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, आहे खाड़कूपन तुहाडे सौदे लाने वाले जिहड़े कंजरखाने सब बंद कर दूंगी, सब इतना कानून सख्त कर दूंगी ना भारत का कि आप लोग सोचते ना बंदूक उठाई किसी को भी मार दिया। आपने क्या जिंदगी को गाजर मूली की सब्जी समझा? किसी को काट दिया मार दिया, जिंदगी है एक बंदे की, जिंदगी पीछे उसके कितने परिवार की जिंदगी जुड़ी होती है। क्या चमकीले को मारने के बाद, उसकी बीवी को मारने के बाद क्या गाने नहीं आए मार्केट में अश्लील? अब कौन से कैसे गाने चल रहे हैं आप बताइए ना? अब जो नए सिंगर्स गाने लेके आते हैं जिसमें क्या क्या लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, तो वो उनके सोधने लगे आप लोगों से? तो किसने हक दिया था भाई आप लोगों को पंजाब में कि आप जाते हो फलाने बंदे तो ऐसे गाना ना गा, जो गाया तेन मार देंगे, चलो भी मार दो, गोलियां मार दो। कौन हो आप लोग? भगवान हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, कौन सा लो तुम? तुम्हें हक किसने दिया किसी को मारने का? मुझे हमेशा बचपन से लेके अब तक ऐसे लोगों से इतनी नफरत और इतना मैं पुरजोर विरोध करती हूँ ऐसे लोगों का जो कानून की उल्लंघना करते हैं और जो कहते हैं कि हम मार देते हैं, हम लगा देते हैं। कौन हो भाई? तुम्हारे गुरु महाराज ने ये बख्शा था क्या कि किसी निहत्ता औरत जा रही है, मर्द जा रही है, बच्चे हैं, गोलियां चला दो उन पर, ये बहुत बड़ी बहादुरी है? नहीं, ये नपुस्तक की पहली निशानी है कि वो मर्द होता ही नहीं है जो निहत्तों पर वार करता है। तो चमकीले को
अमर शहीद शहीद अमर सिंह चमकीले को गोलियां मारी, उसकी बीवी को मारा। बहुत बहादुरी का काम किया, चमकीला तो निहत्ता था। चमकीले पास तो सेफ्टी के लिए गन भी नहीं थी, उसकी बीवी के पास भी गन नहीं थी। अगर उन लोगों के गन होती तो तुम में से एक या दो भी ठोके होते वहीं पे अपने वो टांगे बिसार के पड़े होते वहां पर। तुम लोग ये बदमाशी करते हो, अगर तुम लोगों के पास हथियार है तो ठोक दो जाके, तालिबान बना दिया पंजाब को। अभी सिद्धू मूसे वाला घर से निकला जीप लेके, उसको गोलियों से भून दिया। मैं इसी बात का भी मैंने पुरजोर विरोध किया है। कुछ लोगों ने बहुत हंसे, मजा आ गया जी सिद्धू मर गया। क्यों भाई क्यों मर गया, क्यों मारा उसको, किस लिए मारा? कोई रंजिश थी, दुश्मनी सी, बैठ लो हाथापाई कर लो, कसुन मुक्के मार लो, जान से क्यों मारा? किसने अधिकार दिया मारने का? इतनी रंजिश आप लोगों के दिलों में इंसान को लेके, आज इंसान के मन में इतनी नफरत है कि आप जान से मार देते हो? कोई दया नाम की, कोई काइंडनेस चीज ही नहीं है आप लोगों के अंदर। और खास तौर मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो हमारे बाबा जी का चोला डाल के, बाना डाल के, बानी का उच्चारण करके और बाद में बोलते सुधा ला दो। सुधे तो तुम लोगों के लगने वाले हैं, और ऐसे लगेंगे ना, याद रखना है, पंजाब सरकार आने वाले समय में, मुझे नहीं पता कौन सरकार होगी, और भारत की गवर्नमेंट ऐसे नए नए कानून लेके आएगी ना कि तुम लोग ये सौदे वाला वर्ड अपने मुंह से भी निकाला करोगे। ये बात याद रखना, क्योंकि जिस ढंग से इन इन सिखों में जो ये जो खोतिस्तानी इनों में जो आक्रोश आ गया ना, ये जो गंद डाल रहे हैं सब जगह, इसका कोई ना कोई तो हल जरूर गवर्नमेंट निकालेगी, और ऐसा होगा देख लेना। जब तक आप सब लोग डरोगे इनसे, आप सब मरोगे। डरना छोड़िए इन लोगों से, इनका पुरजोर विरोध कीजिए। कोई भी आपको डराता है, धमकाता है, कुछ भी करता है, पुलिस स्टेशन जाइए, कानूनी कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर FIR करवाइए, ताकि इनको पता लगे। अभी वो जो शिवसेना का भी कोई बंदा आया ना सामने, की उसको बाहर से फंड आया था कि तू 2 लाख दे इनको, हमारे खालिस्तानियों के पोस्टर लगवा दे दीवारों पे, तो बंदा भी पकड़ा गया। दूसरे शिवसेना वाले ने बयान दे दी कि मुझे फोर्स कर रहा है, और ये हिंदू है, शिवसेना में काम करता है, मुझे बोल रहा है 2 लाख ले, मैं दे रहा हूँ जबरदस्ती, और खालिस्तानियों के पोस्टर लगा दी बारों पे। खालिस्तानियों के बारे में पहले भी मैंने आप सबको बोला है, ये लोग पैसे के जोर पे आपका दीन धर्म ईमान खरीद रहे हैं, और आप इतने सस्ते हैं कि आप ऐसे बिक जाते हैं? दीन धर्म ईमान इंसानियत बेच के खा ली आप लोगों ने? क्यों बिकते आप लोग? फंड इकट्ठा करते हैं, फंडिंग करवाते हैं, कुत्ते काम करने के लिए करवाते हैं, किसी का भला करने के लिए फंडिंग नहीं हो रही है। किसी कोई बीमार है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज करने का, कभी इलाज नहीं करवाएंगे। किसी गरीब बेटियों की शादी नहीं कराएंगे, किसी अनाथ हालय में 1 रुपया दान नहीं देंगे। हाँ, गुंडे मवालियों को पैसा देंगे, उन्हें गुंडा बनाएंगे, पूरा उनका इस्तेमाल करेंगे, जब मतलब निकल जाएगा तो यही खालिस्तान वाले आपको मरवा भी देंगे। दूर रहिए इन लोगों से, अपने ईमान को मत बेचिए, अपने हिंदुस्तान को मत बेचिए। जय हिंद, जय भारत।